तो आज हम करेंगे CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का जो फर्स्ट हाफ में हुआ है। ठीक है, सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम बचाने के लिए अंडरलाइन पार्ट देख लो। ठीक है, प्लीज़ यूज़ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है जो आम तौर पे बोलचाल होती है, विच इज़ नॉट फॉर्मल। फॉर्मल नहीं होती, जैसे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज़ करते हैं। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। माई नेबर इज़ मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब होता है जो आपको नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तो इसका जेनरस नहीं होगा, अफेक्शनेट नहीं होगा। जेनरस मतलब उदार, ठीक है। अफेक्शनेट होता है टू लव, टू लाइक समवन, ठीक है, या समथिंग। स्पाइटफुल होता है क्रूल बिहेवियर। तो क्रूअल तो कब होता है, जब आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज सी। लास्ट देख लो, मैग्नानिमस, इसका मतलब होता है उदारवादी या दयालु व्यक्ति या पर्सन। ठीक है, तो मलिशियस का क्या हो जाएगा सिनोनिम, स्पाइटफुल। डेजिग्नेशन, ये सिंपल है, पोजीशन ही होगा इसका। ठीक है, साफ तौर पर दिख रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। सो आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। ठीक है, जब आप बहुत ही किसी को एडमायर करते हो, उस सेंस में ये। ठीक है, वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। इंडियरमेंट का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ लव और अफेक्शन। ठीक है, तो प्रेज, कन्विक्शन, विजडम नहीं होगा। कन्विक्शन मतलब होता है गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है, फॉन्डनेस यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, फॉन्डनेस का मतलब होता है लाइकनेस। ठीक है, सो इंडेयरमेंट द करेक्ट आंसर इज फॉन्डनेस बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ठीक है, टॉलरेंस। कंस्ट्रेन का मतलब होता है समथिंग दैट लिमिट्स यू, जो आपको रोक के रख रही है। इट कुड बी टाइम, इट कुड बी रिसोर्सेज, इट कुड बी मनी, कुछ भी कंस्ट्रेन। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट, मतलब जो आपको, वैल्यूज़ भी हो सकता है, मॉरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ गलत काम करके जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बिकॉज़ आपके वैल्यूज़ और मॉरल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये भी है, ये आपको क्या कंस्ट्रेन कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। एनकरेजमेंट ईजी है, रिस्ट्रेन, सपोर्ट। तो हमें क्या देखना है, सहनशीलता। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना। सपोज़ आपकी जो, आपका जो ग्रुप है वो बहुत वायलेंट है, ठीक है, या स्मोकिंग है, या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पर आपने रिस्ट्रेन कर रखा है, जो वो करते हैं वो आप नहीं करते हो। ठीक है, कंट्रोल ऑन समथिंग, आप पे, अपने आप पे कंट्रोल है, तो इस सेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ फॉरबियरेंस का क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन। सिनोनिम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना गीबस। हिज गीबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो गीबस का मतलब होता है गोल मटोल। ठीक है, राउंडेड, फूला हुआ, सॉलन। हिज गीबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ही कुड बी लाइक अ पोटैटो। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मार्ट नहीं, चार्मिंग नहीं। आई मीन हो सकता है वो स्मार्ट भी हो सकता है, वो चार्मिंग भी हो सकता है, बट वर्ड्स से रिलेट करना है हमें। डिसेबल्ड, हंच्ड, आपने ऊँट के ऊपर वो देखा है, हम्प होता है, तो ये वही है। ठीक है, कंधे गोल गोल होते हैं, जैसे 3D शोल्डर्स जैसे कहते हैं, जो लोग जिम फ्रीक हैं उनको पता होगा, तो 3D शोल्डर्स होते हैं, तो वही है। ठीक है, गोलाकार होना, तो हंच्ड यहाँ पे। गीबस मतलब राउंडेड, ठीक है, उभरा हुआ, स्वॉलन, ऐसे, तो हंच्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है अपना टॉर्मेंटेड। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर।
टॉर्मेंटेड मतलब जो आपको दुख दे, पेन दे, पीड़ा पहुंचाए, ठीक है। थ्रेटन नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, कैजुअल नहीं होगा, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मतलब परेशान करना, तो पेन परेशान, ठीक है, दुखी करना, राइट, तो बिहेवियर है, तो ठीक है। कैजुअल का मतलब होता है परस्यू करना, बात मनवाना, ठीक है। आगे चलते हैं, करेक्ट आंसर इज टी, टॉर्मेंटेड, डिस्ट्रेस्ड। पीयरलेस बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है। हर पीयरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड, इसका मतलब ये होता है कि जो अतुलनीय है, कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो सुपीरियर हो अपने आप में, ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही अद्भुत, अच्छा, ठीक है। लवेबल नहीं होगा, राउडी मतलब होता है जो परेशानी क्रिएट करे, शोर शराबा परेशानी क्रिएट करे, उसे कहते हैं राउडी। इररेलीवेंट, अनइक्वल इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, इसकी पीपीटी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अब तो 2024 के भी हो गए हैं, ठीक है, तो 2023 पार्ट सेकंड तक मैं आपको इसके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो चेकआउट कर लेना। 24 का ही बनेगा, उसको भी उसी पे अपलोड कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना, ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल शेप, तो मेजरमेंट, क्वेश्चन नहीं, कंक्लूजन नहीं, लेसन नहीं, सो करेक्ट आंसर इज ए। स्मॉथर्ड का मतलब होता है दे स्मॉथर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, मतलब कंटेंड, बुझा देना, ठीक है, तो एक्सटिंग्विश कर देना, लाइटन नहीं, सराउंडेड नहीं, सॉ डजंट मेक एनी सेंस। डूज्ड, डूज का मतलब होता है किसी चीज़ से कवर कर देना, ठीक है, बेसिकली लिक्विड से कवर कर देना, तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अब एंटोनिम्स देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना डिसकंटिन्यूड, तो डिसकंटिन्यूड का क्या होगा, कंटिन्यू कर देना, ठीक है, तो जो रुका हुआ है उसको फिर से चालू कर देना। तो डेपुटेड का मतलब होता है अपॉइंटेड, ठीक है, सीज्ड, रोक देना, कंसील्ड, छिपा हुआ, रिज्यूम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शाइडेड, इसका मतलब होता है डांटना, हमने बहुत बार देख रखा है अपने 5000+ वो कैप सीरीज में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डांट लगा देना, क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है, तो ये सिनोनिम्स है, एडमोनिश सेम, ठीक है, रेप्रीमेंड भी होता है फटकार डांटना, रिप्रूफ का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या रिबुक कर देना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, कमेंडेड, प्रेस कर देना, करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है। आई चेरिश्ड योर कंपनी, मतलब कंपनी पसंद है, ठीक है, तो डेप्रिकेट क्या होगा, कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक है, जो आप कर रहे हो वो उससे सहमत नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहा है, सो एंटोनिम्स है, ठीक है। बाकी वैल्यू, अडोर मतलब एडमायर करना, ठीक है, सस्टेन, ठीक है, निरंतर, तो चेरिश, डेप्रिकेट, ठीक है। केओस इजी है, सिंपल है, केओस का मतलब ही होता है डिसऑर्डर, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्डर। वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स, सेलेस्टियल मतलब जो आकाश में, ठीक है, हवा में, ठीक है, स्पेस में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थली, ठीक है, धरती से जुड़ा हुआ। यूटोपियन मतलब होता है आइडियलिस्टिक, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, अमेजिंग, ठीक है, पर होता नहीं है, लाइफ इज़ लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी देख लो, ट्रांसेंडेंटल, दैट मीन्स बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जो आप अपनी 5 सेंसेस से कैप्चर नहीं कर पाते हो, दैट इज़
ट्रांसेंडेंटल। तो रिचुअल क्या होते हैं अपने, एक्शन और सेरेमनीज, ठीक है, रीति रिवाज जैसे कहते हैं। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना रेटिसेंट। मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है शाय, रिजर्व, ठीक है। तो गैरुलस मतलब क्या होता है, जो बात बहुत करता हो, रेटिसेंट, रिजर्व, जो कम बोलता हो, ठीक है, रिजर्व। और ये क्वाइट भी क्या है, वेरी लिटिल या नो नॉइस। तो एंटोनिम्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, गैरुलस इज द करेक्ट आंसर, बहुत बात करने वाला, राइट। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, ना समझी, ठीक है। तो हारमोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली, इन्फेंटाइल भी नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्विजिट मतलब बहुत बढ़िया, खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। सीजन्ड, सीजन्ड इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, मेच्योर्ड है। मैग्नीलोक्वेंट पर्सन, जॉन इज़ अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन, जो हाई फाइल भाषा यूज़ करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं मैग्नीलोक्वेंट। पॉम्पस सिनोनिम से टर्गिड, टर्गिड का मतलब भी होता है पॉम्पस, ठीक है। और लॉफ्टी, बड़ा, वेरी टॉल, इम्प्रेसिव। जो टर्स का मतलब होता है जो कम बात बोले, ब्रीफ रखे अपनी टॉपिक को, अपने वर्ड्स को, ठीक है, अपने सेंटेंस को, तो जो कम बोले उसे कहते हैं टर्स, ठीक है। सो मैग्नीलोक्वेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टर्स। क्लैंडेस्टाइन ईजी वर्ड है, हिज क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है जो कि चुपचाप किया गया हो, सीक्रेटली डन, ठीक है। तो कोवर्ट हम देख चुके हैं। कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है जो कि आसानी से देखा या नोटिस किया जा सके, तो इजीली सीन और नोटिस्ड, उसे कहते हैं कॉन्स्पिकुअस। फर्टिव मतलब होता है सीक्रेट, तो सिनोनिम्स है अननोन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कॉन्स्पिकुअस, ये छुपा हुआ है, ये आसानी से नोटिसेबल है। तो जोक आप सबने सुना होगा कि हाथी चींटी के पीछे छुप गया, तो क्या हाथी क्या है, इजीली नोटिसेबल है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है अपना, सम एनिमल्स लिव इन डोरमेंट लाइफ। डोरमेंट मतलब होता है जो कि लाइफ एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव। इनिशियल 2000 में ये चलता था वर्ड काउच पटैटो, क्योंकि टीवी लोग बहुत देखने लगे थे, 90s में टीवी आई थी, उसके बाद केबल वगैरह धीरे धीरे आए थे, स्टार्टिंग हुआ था दूरदर्शन से, फिर मेट्रो के चैनल आए थे, फिर तो लोग ना टीवी में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे, उनकी आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई थी, काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब तो बिल्कुल ही कम हो गई है, पहले 50% 60% रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। तो तब यूज़ हुआ था वर्ड काउच पटैटो, मतलब आप बैठे बैठे आलू बन जाओगे। तो डोरमेंट लाइफ, दैट मीन्स अ लाइफ विच इज़ नॉट एक्टिव, ठीक है। तो लेटेंट, इनर्ट, नॉट एबल टू मूव और एक्ट, स्लगिश, मूव स्लोली, एक्टिव इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ट्राई किया करो, एटलीस्ट वॉक कर लो या फिर एक्सरसाइज कर लो तो बेटर है, तो ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ एक्टिव। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 22 का सेकंड पार्ट, जो मैं आया था सितंबर अगस्त में, जो भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।